यहाँ पे न्यू टॉपिक देखेंगे 8.3.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे कौन सी चीज़ इफेक्ट कर सकती है हम, जिसमें हम यहाँ पे दो मॉडल्स दिए गए हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसे हम सारे फैक्टर्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इन पॉइंट्स को हमने इन्होंने यहाँ पे नीचे जो है वो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसमें रफोर्स दिया हुआ है इंटरनल फैक्टर टाइप्स, टाइप ऑफ बिजनेस, हम कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वो हमारा एक इंटरनल फैक्टर कहलाएगा। मोर फिक्स कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वाइल लेस कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग यूनिट्स। इन सर्विस यूनिट द फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल वुमेन लार्ज जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसमें चाहिए होता है, लेस कैपिटल हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल जो है यूनिट्स के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हमारे सर्विस के ऊपर डिफाइन करता है। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ साइज़ ऑफ बिजनेस, हमारे साइज़ ऑफ बिजनेस कितनी है ड्यू टू द लार्ज स्केल एक्टिविटीज़, बिग बिजनेस यूनिट्स रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन लार्ज प्रपोर्शन, यानी कि यहाँ पे जैसे हमारा बड़ा बिजनेस होगा तो इसके लिए कैपिटल की साइज़ भी ज़्यादा चाहिए होगी। स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली लेस कैपिटल, यानी कि छोटा सा बिजनेस होगा तो उतने कैपिटल भी हमें कम ही चाहिए होगा। ट्रेडिंग यूनिट रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल कंपेरेटिवली, जो ट्रेडिंग यूनिट्स होते हैं उन्हें भी इस टर्म में कम ही कैपिटल चाहिए होता है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, अर्निंग ऑफ बिजनेस मे बी सर्टन और अनसर्टन, जिसके हमें पता ही कि बिजनेस की अर्निंग कभी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरो कैपिटल इफ़ फ्यूचर एस्टिमेट अर्निंग इज़ फिक्स्ड एंड हैंडसम, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर कंपनी को अगर लोन लेना पड़े या कैपिटल बोरो करना पड़े तो वो उसके लिए भी कर सकती है, ताकि इनका जो फिक्स अर्निंग पर्पस है वो यहाँ पे रुके नहीं। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ नेचुरल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट, इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट आर ऑन लार्ज स्केल इन बिजनेस देन द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी हाई इन कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर फिक्स कैपिटल आर टू बी परचेज और टू एक्वायर ऑन योर परचेज और ऑन लीज, यानी कि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट की असेट की जो रिक्वायरमेंट है वो कब होती है, जब हमारी फिक्स असेट हो वो लार्ज पर्पस के लिए, यानी कि इक्विटी शेयर के बेसिस पे हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया हो। अगर हम हाईली चीज़ों को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास एक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए कि हम इतना परचेस करेंगे, हमसे इतना अर्निंग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है एटीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी डिज़ायर टू रिटेन द मैनेजरियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट इशू इक्विटी शेयर इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एंड डिमांड मोर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन जा रहा है, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं कंपनी के, उनका पर्पज़ क्या होता है कि हम यहाँ पर इक्विटी शेयर को इशू नहीं करें ज़्यादा प्रोपोर्शन में, क्योंकि फिर उसकी हमें वापस जो देने पड़ेंगे वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में देने पड़ेंगे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की मांग है वो रखते हैं। लास्ट हमें यहाँ पे सेकंड लास्ट दिया है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कैपिटल कैन बी रेज ओनली बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑन द स्मॉल स्केल, यानी कि कैपिटल हम कब रेज करते हैं, जब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो कैपिटल की काफ़ी कम हो। वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी आर टू बी इशू इफ़ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज़ नेसेसरी, यानी कि बहुत सारे सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे इशू की जाती है ताकि हम इसे आगे चला सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्लान पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ग्रोथ इज ऑल्सो भी कंसिडर बाई फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर में हमारे ऑब्जेक्टिव प्लान्स कौन से होने वाले हैं, कहाँ से कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना है। लास्टली यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल फैक्टर के लिए ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने समय के लिए हम कैपिटल है वो ले रहे हैं। इफ़ कैपिटल इज़ रिक्वायर परमानेंटली कंपनी विल प्रिफर टू इशू इक्विटी शेयर, अगर हमारे पास जो कैपिटल हम ले रहे हैं परमानेंटली अगर हमें लेना है तो कंपनी उसके लिए इक्विटी शेयर इशू करेगी। ऑन द अदर हैंड इफ़ कैपिटल इज़ रिक्वायर फॉर शॉर्ट टर्म, अगर दूसरे बार जो देखिए कैपिटल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, कंपनी विल पोरस कैपिटल थ्रू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कंपनी को ये सारी चीज़ें उनके डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर से अवेलेबल की जाएंगी।